शर्त करता रहता है,
बदतमीजी पर बदतमीजी करता रहता है। इसके बावजूद एक लंबी मुद्दत तक उसे ठीक दी जाती है। कि अगर अल्लाह लोगों के हक में शर के फैसले को, शर के नतीजे को अजाब की शक्ल में, वबाल की शक्ल में, पकड़ की शक्ल में नाफिस करने में जल्दबाजी से फैसला कर दें, लौकूम तो इन अहल शर का वही खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होता है। आप देखें दुनिया का जो निजाम और कानून है, जहां रहमत का पहलू होता है, खैर का पहलू होता है, तो अल्लाह उसका फैसला बहुत जल्द फरमा देते हैं और उसी का नतीजा है कि पूरी इंसानियत कुफ्र पर होते हुए, शिर्क पर होते हुए, जुल्म पर होते हुए अल्लाह की रहमत से फायदा उठा रही है। वो खा रही है, पी रही है, उसको आनंद मिल रहा है, रोजी दी जा रही है। अगर कहीं अल्लाह इसके शर पर फौरन पकड़ करना शुरू कर दे तो कुरान की दूसरी आयत में है, वलम युआखिज़ुल्लाहु नासा बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, कि अगर लोगों के जरायम पर, लोगों की गलतियों पर अल्लाह पकड़ करना शुरू कर दे तो इस रूह जमीन पर कोई चलता हुआ नजर ना आए। लेकिन बंदा एक लंबी मुद्दत से गुनाह पर गुनाह, जुल्म पर जुल्म, ज्यादती पर ज्यादती करता रहता है, फिर भी अल्लाह जल्दबाजी से कोई फैसला नाफिज नहीं करते। क्यों नहीं नाफिज करते हैं? इसमें दो मसले थे। एक तो इलाही मसीहत यह होती है कि हो सकता है बंदा किसी मरहले में, किसी जगह जाकर इसे एहसास पैदा हो और ये हक की तरफ पलट जाए, तो अल्लाह इस मामले में बंदे का गोया कि बंदे की तौबा का, बंदे की अपने तरफ तवज्जो होने का एक लंबी मुद्दत तक इंतजार करते हैं। इस वजह से उसे ढील देते हैं, मोहलत देते हैं। और दूसरी मसीहत क्या होती है? दूसरी मसीहत ये होती है बार बार दबा कि अल्लाह ताला उसे ऐसी छूट दे देते हैं कि उसके जराए और सामने आने आदमी ये समझता है, क्योंकि उसकी पकड़ नहीं हुई, उसकी गिरफ्त नहीं हुई, उस पर कोई जाहिर अजाब लागू नहीं हुआ, तो आदमी अपने फिस्क और फुजूर के बावजूद ये समझता है कि मैं तरक्की कर रहा हूं। एक तरफ ये दोनों के साथ हो रहा है, कुफार मुशरिकीन के साथ भी और ईमान वालों के साथ भी होता है। एक आदमी है, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, गुनाह नहीं करता है, उसकी जबान का, आँख कान का इस्तेमाल नहीं सही थी, अखलाक नहीं सही थी, उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ी हुई और उसके बावजूद वो ऐश के साथ रह रहा है, सारी सहूलत की, ताइश की और जो है राहत और आराम की जितनी शक्लें हो सकती हैं मजीद उसकी शक्लें और बढ़ती रहती है। तो आदमी ये समझे कि मैं तरक्की कर रहा हूँ और मेरी परवाज बुलंद हो रही है, मैं बहुत ऊपर जा रहा हूँ, तो ये उसका धोखा है, ये उसका बहुत बड़ा धोखा है। फरमना नसूमा दुखी फतापना लेगी अब और इतराने लगा और ये समझ गया कि अब मेरी परवाज बंद से बंद
पत्थर बोली जाएगी, कोई मेरी तरफ को रोक नहीं सकता है। अचानक हमने उसको पकड़ लिया, फैजा को महसूस तो हक्का पक्का है। तो एक मसलियत कभी कभी ये होती है कि अल्लाह उस जालिम को उस फासिक को उस गुनहगार का छूट दे देते हैं। जबरन हुजूर से कहा गया है, जबरन आप इन काफिर और मुशरिक और इन नाहंजाओं को आप छोड़ दीजिए। या कुल वो खाते पी रहे हैं, वो तमत्तउ और दुनिया की जिंदगी में मजे उठाते रहे हैं। वही मुहिम अमल और मुस्तकबिल लंबी लंबी बिलाली इन्हें आखिरत से ऐसे ही काफिर रखे, फसल फयालमू अब करीब है उनके बयान अंजाम को देखते। तो कभी कभी ये होता है कि जो अहले जुल्म सितम होते हैं, अहले कुफ्र होते हैं, अहले शिर्क होते हैं, अहले फिस्क फुजूर गुनहगार को ढील दे दिया जाता है, उस ढील को वो अपनी तरक्की समझते रहते हैं। हालांकि वो तरक्की नहीं होती है, बल्कि उनको उस मरहले पर ले जाना होता है जहां जब उनकी पकड़ का वक्त आएगा इसमें कोई उन्हें बचा न पाए। उसकी मिसाल हमारे घर जो हैं पहले दीन दे देते हैं, जैसे आपने देखा होगा घरों में पहले वो चूहेदान होते थे, चूहा पकड़ने के लिए, तो हम लोगों ने बचपन में वो चूहा पकड़ा हुआ है चूहेदान का। अब तो बहुत सी चीजें आ गई, तो जब चूहे को पकड़ना होता था तो चूहेदान में बेहतरीन देसी घी में रोटी लगाकर चूहेदान के अंदर रखी जाती है। तो क्यों रखी जाती है चूहेदान के अंदर? इसलिए रखी जाती है कि जनाब चूहे साहब का इस्तेमाल किया जाए ना, कि चूहे साहब आने वाले हैं लिहाजा उनकी खिदमत में देसी घी की रोटी पेश की जाए। शक्ल बहुत अच्छी है लेकिन उसके पीछे मकसद कुछ और है। तो यही बोलता है कि अगर किसी को दुनिया में गुनाहों के बावजूद, मासियत के बावजूद, अल्लाह से दूरी के बावजूद, जुल्म और सितम के बावजूद उसे अगर अच्छी शक्ल में रखा जा रहा है तो वो गोया कि चूहे के लिए देसी घी की रोटी है। बस इंतजार इस बात का रहता है कि उस मरहले में और यहूदियों के एक एक इशारे पर काम करते हुए दिन ब दिन
उस पूरे खेते को एक फहाशी का मरकज बना दिया है। और अभी इस जुमे में जो फैसला आया हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आया कि सारे मिंबर से मस्जिद के लिए कहा जाए कि ये जो जमात है दाऊद तबलीग की ये दहशतगर्दी की जमात है। इससे पहले मैंने इख्वान मुस्लिमों पर बैन किया और उससे पहले जो है दूसरी तंजीमों पर बैन किया। अब ये सीधी सादी जमात बची थी, इनके यहाँ पर कोई सियासत की बात भी नहीं होती है, इनके यहाँ पर हुकूमत की बात भी नहीं होती है, इनके बारे में कोई मशहूर है या तो ये आसमान के ऊपर भी करते हैं या जमीन के नीचे भी करते हैं, बीच की कोई बात ही नहीं करते हैं। इतनी सीधी सादी जमात उसको उसकी मिंबर से हुकूमत की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि सब लोग कहें कि ये दहशतगर्दी वाली जमात है, ये है, ये वो है। क्यों? इसलिए कि उनकी जो ख्वाहिशात का रास्ता है उसमें कोई रोड़ा ना है, उसमें कोई रुकावट ना है। हम जो गंदा से गंदा काम करना चाहें मक्के और मदीने के अंदर हमारे लिए रास्ता खुला हुआ होगा सिर्फ इस नियत के। और सूरत हाल ये हो चुकी है कि मक्के और मदीने जैसे पाक जगह में बाकायदा सिनेमा घर और थिएटर और क्लब को खुलने की इजाजत दी जा चुकी है, दूसरी जगहों पर तो खुल चुके हैं, इन मुकद्दस शहरों में भी बाकायदा इसका आर्डर दिया जा चुका है। अगर पूरी दुनिया की तरफ से आवाज न उठी तो बहुत मुमकिन है कि एक दो साल के अंदर वो चीज उस मुबारक सरजमीन पर भी खुल जाए। तो इस वजह से कल्जुमे में जो पैगाम दिया गया वो हर एक तक पहुँचना जरूरी है और आदमी आवाज उठाए अपनी अपनी जगह से, अपने उन चैनल से, उन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया का भी एक जरिया है जहाँ तक हम बात पहुँचा सकते हो, ये बात हम पूरी दुनिया तक पहुँचाएं कि अगर हराम के तकद्दस को पामाल करने की कोशिश की गई तो मुसलमान इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी खुशी के साथ जान देने के लिए तैयार है। ये हमारा फैसला जो लोग होना चाहिए, ये बुजुर्गी की जिंदगी और दुनिया से इतना ताल्लुक कि बस दुनिया में हर वक्त रहने की फिक्र, ये मुसलमान की फिक्र नहीं हो सकती। मुसलमान दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, मुसलमान दुनिया के अंदर रहकर अपनी हमेशा हमेशा की जिंदगी को बनाने के लिए आया है। यहाँ जिंदगी इतनी टेम्परेरी है, इतनी आर्जी है, अभी हम आपके सामने बैठे हो सकता है कुछ मुद्दत के बाद हम न रहे खत्म हो जाए। कोई शख्स आपसे नहीं कह सकता है कि साहब मैं तो इनके साथ रहूंगा। इतनी आरजी, इतनी टेम्परेरी जिंदगी की खातिर हम उस हमेशा हमेशा की जिंदगी को खत्म कर दें, वो हमारी निगाहों से ओझल हो जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा खसारे वाला शख्स है। और वो जिसके सामने आप तसव्वुर वाज रखते हैं मरने के बाद की जिंदगी का, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देने का, अपने एक एक लम्हे को अल्लाह के सामने पेश कर देगा, जिसके यहाँ ये तसव्वुर वो भी उसी तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दे जिस तरह बेचारे वो कौमें हैं जिनके पास वह तसव्वुर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बेचैन हैं, उनका मुस्तकबिल बहुत से बहुत बड़ा दुनिया का है, इसके अलावा कोई उनके सामने न लाए अमल है, न कोई खाका है, न कोई मंसूबा है। वो जो कुछ सोचते हैं बस इसी दुनिया तक, उनकी परवाज उनकी हद यही है और ये कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये मुस्तकबिल सब कुछ सोचने के बावजूद भी कोई शब्द नहीं कह सकता है कि हाँ आपका मुस्तकबिल सिक्योर हो गया, आपका मुस्तकबिल और फ्यूचर सेफ हो गया, कोई नहीं कह सकता। हजारों लाख से हम लोग की निगाह के सामने होते रहते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर और वजीर को मिनटों और सेकंडों के अंदर साफ कर दिया जाता है। ये तो मुस्तकबिल है इस दुनिया का। इस वजह से कुरान ने बार बार इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि तुम्हारा असल मुस्तकबिल आखिरत की जिंदगी है। तो अब अगर कोई शख्स कदम उठाए दुनिया इस तरफ कि हम हरमैन के तकद्दस को पामाल करेंगे, उसके लिए गंदे गंदे फैसले हैं, तो पूरी उम्मत की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो उसके हक में, इस्लाम के हक में और ऐसे जालिमों के खिलाफ आवाज उठाए, पूरी दुनिया तक अपना मैसेज मुंतकिल करे। ये चीज जहाज के साथ हो रही इसे पूरी उम्मत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी में ये पहले के सामने है कि ये अहले जुल्म सितम इतने गंदे गंदे फैसले कर रहे हैं, उसके बाद भी बज़ाहिर अल्लाह का कोई फैसला आज़ाब के ऊपर नहीं उतर रहा है, ये चीज सोचने की होती है। अल्लाह की मैंने बताया दो नसीहतें होती हैं, एक
एक हिम्मत खुदा होती है कि हो सकता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, धीरे धीरे किसी मरहले में इसके होश आ जाए और ये मेरा बंदा हक की तरफ पलट जाए। या फिर दूसरा फैसला ये होता है कि जितने उनके जराय हैं वो सब खुलकर सामने आ जाए और जो जराय के रोकने वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और निभाए, वरना अल्लाह अपने उस फैसले पर जो फैसला उसने तय कर रखा है कौमों के पकड़ और अकवाम और असरात के पकड़ का फैसला अल्लाह उस फैसले को नाफिज कर देते हैं। जब वो पकड़ का फैसला उतरता है तो कोई बचा नहीं जाता है। मैं उसी की मिसाल दे रहा था इस दौर की कि लीबिया के बादशाह था मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी, ये भी बड़ा ही मुसलमानों के सैस का नाम, लेकिन इसका जुर्म बहुत भयानक था। एक तरफ इसने वहाँ के दीनदारों पर, वहाँ के उलमा पर, नेक लोगों पर पाबंदियाँ लगाई, दूसरी तरफ नौजुबिल्ला इसने कुरान के मुकाबले में अपनी एक किताब जारी की पूरी लीबिया के, उसका नाम उसने रखा ग्रीन बुक, और कहता था कि कुरान जो है वो मनसूख हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब मेरी किताब पूरी लीबिया में चली। और जिस वक्त उसका इंतखाब हुआ ऐसा बादशाह सकरा, ऐसा अयाश कि किसी भी मुल्क के जाने के लिए उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, और पूरा मुल्क उसके इस्तेमाल कर रहा होता था। उसकी एक एक फ्लाइट नहीं, तीन तीन चार चार फ्लाइटें एक साथ करती थी, और सारी अयाशी की शक्ल उसके पास थी। उसने कभी ख्वाब और ख्याल भी नहीं सोचा था कि हमारे पैसे पकड़ होने वाले, और जब अल्लाह ने पकड़ की उसकी तो लीबिया ही की आवाम ने उसको गंदे नाले के अंदर इस तरह मारा जैसे पागल कुत्तों को मारा जाता है। इसी हाल में उसकी मौत हो, फिर उसकी लाइब्रेरी में देखा गया तो उसकी लाइब्रेरी में कुरान के ऊपर उसके जूते का निशान था। तो अल्लाह ने दी एक मौलत दी, एक मौका दिया, लेकिन उसने उस चीज को ये समझ लिया कि शायद अब जो चाहूं तो कर सकता। तो अल्लाह ने ये कानून लगा रखा है कि अल्लाह दुनिया में जल्दी पकड़ नहीं करते हैं, शर्त शर्त उन्हें मौका देते हैं। इससे बात मतलब कौमें भी धोखा खाती है और मुजरिम भी धोखा खा जाता है कि शायद मैं प्रवास करता था। इसीलिए कहा गया है जगह कुरान पाक में ला यग़ुर्रन्नक तक़ब्बुल लदीन कफ़रू फिल बिलाद, ए मुसलमानों इन कुफार मुश्रिकीन की दंदनाहट, मुल्कों मुल्कों इनका चक्कर लगाना और दौरे करना, इनकी ये मुल्कों के अंदर इनकी रैलियां और इनके हंगामे, ये तुम्हें धोखे में न डालने पाएगा। मताउल करीम चंद दिन के लिए मैंने इन्हें मौका दे रखा है, फिर हमेशा हमेशा इनका ठिकाना जहां जहां की फर्क ये उस दौर में बात कही गई थी जब कुफार और मुश्रिकीन के बीच में घिरे हुए थे मुसलमान मक्के के अंदर, तब कहा गया था कि तुम इन कुफार और मुश्रिकीन की दंगराहट और इनके इधर से उधर कौमों के साथ मुल्कों के साथ पैक्ट और माहिने और इसके चक्कर लगाने से धोखे में ना। चौथे पारे में कहा गया है इसी सफे मंजर में कि वला यसबन الذين كفروا انما هم لغفير لانفسهم, कि हम जिन लोगों को ढील दे रहे हैं वो लोग मेरी फौरी पकड़ ना करने की वजह से ये ना समझे कि मेरा ढील देना उनके हक में बेहतर है, बल्कि हम उनको ढील इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी जितने जराए वो सामने आ जाए उसके बाद उन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाए। तो ये अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह तो शर करने वाले होते हैं, जुल्म करने वाले होते हैं, उनको अल्लाह एक लंबी मुद्दत तक दे रहे हैं, और अगर अल्लाह ताला बंदों के जुल्म गुनाह पर फौरन पकड़ कर ले तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर वो जो अहले शर है वो शर करना क्या गलती और गुनाह का तसव्वुर भी छोड़ दो। मैंने मिसाल दी मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज न पढ़े फजर की न पढ़े पढ़े, जैसे उसने नमाज छोड़ी वैसे आसमान से फरिश्ता जहन्नम की आग का दहलाया हुआ घोड़ा लेकर उसके पास पहुंचे,
और उसकी लड़ाई फैलाए और उसके जो है कस के एक कोड़ा लगाए। जानवी का कोड़ा ऐसा हो गई, वो ऐसा होगा कि खाल वाल सब बाहर आ जाएगा। अगले अपनी नमाज छोड़े, अगले दिन मस्जिद खुलने से दो घंटे पहले मस्जिद के दरवाजे में खड़ा गया और जैसे ही मस्जिद खुलेगी फौरन गुलाम था अपने पीछे बैठ गया कि भैया कब तो किसी तरह बर्दाश्त हो गया था, आइंदा बर्दाश्त करने की सदर नहीं। लेकिन अगर ये निजाम हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो तो किसी चीज के लिए इंसान को मजबूर कर दिया गया। अल्लाह का ये निजाम नहीं दुनिया में, अल्लाह किसी को किसी बात के लिए मजबूर नहीं करते, इख्तियार देते हैं, बंदा चाहे करे चाहे ना करे। बस ये अलग बात है कि करने का अंजाम कुछ और होगा, ना करने का अंजाम कुछ और होगा, उल्टा होगा। जो अहले शर है उन्हें मौका दिया जाए पलने का, फलने का, फूलने का, तो ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा एहसान होता है कि हो सकता है किसी मरहले में ये बंदा पलट कर आ जाए। उससे जो अहले दीन होते हैं उनकी तकलीफ भी बढ़ती है, उनकी परेशानी भी बढ़ती है, मशक्कत भी बढ़ती है। लेकिन जैसे ही जैसे अहले दीन की मशक्कत बढ़ेगी अल्लाह इनका सवाब भी बढ़ाते रहते हैं। ये अल्लाह का अजीब निजाम है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ बैठ के तस्बीह पढ़ें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो इसका सवाब आम सवाब जो हदीस में बयान किया गया है। एक शख्स बाजार में जाकर जहाँ माहौल नहीं है वहाँ पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहु الحمد व अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो बाजार में क्योंकि माहौल नहीं है इस तस्बीह के पढ़ने की वजह से एक एक लफ्ज पर 10 लाख लिख लेंगे, 10 लाख दर्जे बने बने, 10 लाख गुनाह माफ होंगे। क्यों? इसलिए कि वहां पढ़ना ज्यादा मुश्किल है, वहां निगाहों को गफलत में डालने वाली चीजें और दिल को अल्लाह से हटाने वाली चीजें वहां ज्यादा है, इस वजह से सवाब फौरन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जब माहौल खराब हो, माहौल दिन के मुखालिफ हो, फितने ज्यादा हो, एहसास है कि अल्लाह नेकियों के ऊपर मिलने वाले सवाब को भी बहुत बढ़ा देते हैं। इसीलिए कहा गया है हदीस में, अजीब हदीस है, कि जब आखिरी दौर में फितने बहुत बढ़ जाएंगे तो हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त का मुसलमान अगर सच्चे दिल से कोई इबादत करेगा, कोई नेक काम करेगा, तो अल्लाह एक के करने पर 50 के बराबर सवाब देंगे। तो सहाबा ने पूछा ऐसे अल्लाह हम में से 50 या उन लोगों में से 50 लाख के बराबर, आपने फरमाया तुम में से 50 लाख के बराबर। जितनी बड़ी चीज होगी सहाबा इकराम में से 50 लोगों के बराबर सवाब होगा फितनों के दौर में दीन पर चलने वाले शख्स का। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए फितनों से, हमें उससे मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हम ये देखें कि अल्लाह की हमारी कद्र कितनी बढ़ गई है। यही काम हम इस दौर में करते जब फितने नहीं थे तो इतना सवाब ना मिलता। इस दौर में जिसमें फितने ज्यादा है, बैठने के इम्कान ज्यादा है, गलत और गंदे ख्याल के आने के इम्कान ज्यादा है, उससे बचाते हुए कोई शख्स दीन के रास्ते पर चले तो इसका मकाम, इसका सवाब बहुत बढ़ जाता है। तो ये तो अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह दुनिया के अंदर जो शर वाले होते हैं अल्लाह उनके बारे में जल्दबाजी से फैसले को नाफिल नहीं करते, जिस तरह खैर के बारे में अल्लाह जल्दी से फैसले को उतार देते हैं। अगर अल्लाह ऐसा करते हैं तो इनका खात्मा ही कर दिया जाएगा। एक इसकी तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर एक और की है साइज में, कि इसका मतलब एक ये भी लिया गया है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमों से और मुश्रिकीन से काफिरों से आप ये कहते थे कि तुम अल्लाह की बात को मानो वरना तुम पर अजाब आ जाएगा, तो वो ये कहते थे आपको आजिज करने के लिए, परेशान करने के लिए चैलेंज कर देते थे कि अगर आप सच्चे नहीं हैं तो आप अल्लाह की तरफ से अजाब आप पर उतरवा दो। नज़्म ने हारिस ये बहुत बहुत कट्टर था, हो सकता है उस वक्त जो आगे से बिगड़ा हुआ तो बहुत ही बिगड़ा हुआ आदमी था, तो
वो ये अक्सर कहता था कि इन का नहादा हुआ हक में इनके काम कर आलम में हिजाब कर में समय आई तो ना क्या आता है कि मोहम्मद अगर ये हक है तो हम पर आसमान से कोई टुकड़ा करा दिया ये आजाब दिया ये इसका बात है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता था कि आपकी जिम्मेदारी है हक तक पहुंचाना, इनका मुतालबा जो है वो पूरा होगा या नहीं होगा वो हमारा फैसला है, हम जब चाहेंगे उस वक्त होगा। तो इससे जो है वो क्या करते थे, इससे वो अपने लोगों को काबू में करते थे। देखो हमने इनसे कहा था अगर ये हाथ और सच होता तो अजाब भी आते, अजाब नहीं होता इसका मतलब ये गलत है हमसे, इससे वो अपने लोगों को संभाल देते। लेकिन अल्लाह अजाब उतारते हैं अपने फैसले के मुताबिक, जब जिसका फैसला होता है कि अब इनकी पकड़ करना है, अब इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, अब जितनी मोहलत इनको देना थी दी जा चुकी है, जब अल्लाह की तरफ से वो फैसला होता है तब अल्लाह फिर पकड़ कर दिया। तो इस मुद्दत में वो सरकशी और बहाव पर चले जाते थे। बहुत से ऐसे भी थे जिनको मोहलत दी गई बाद उनकी समझ में आ गई और उन्होंने हक कबूल कर लिया ना। एक थे वो भी बहुत कट्टर, उन्होंने कहा कि अगर हम जो है वो पहाड़ से भी टूट जाए तब भी ईमान नहीं लाएंगे, ये हो जाए तब भी ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन जब सच मक्का हुआ तो बात उनकी समझ में आ गई और फिर वो ईमान उन्होंने कबूल कर लिया। तो एक जो मसलहत थी ताखिर होने की उसमें बहुत से लोग समय चाहते हैं, जैसे आपने इस दौर में देखा होगा कि बहुत से कट्टर लोग जो दहशत गर्दी वाली तंजीमें हैं इस मुल्क के अंदर उसमें से बहुत से लोग एकदम से पलट कर आ रहे थे, बात उनकी समझ आ जाता है। एक बस्ती के थे एक साथ और गंदी जबान और साफ दुश्मनी मुसलमान से और वो जेल चले गए किसी काम में, तो जेल में जब गए तो जाना होता है उनको सामना दिया गया से उनके अंदर चरण के जज्बात पैदा हुआ। तो जेल में काम का होता नहीं, वहाँ पढ़ने लिखने का काम अच्छा होता है, जो आदमी पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है, सारी दुनिया से कट जाते हैं और बस एक ही काम है पढ़ना लिखना। इसीलिए बहुत सी अहम तफसीलें जेल में लिखी हैं, वहाँ मौजूद की तफसील जेल में, वहाँ पर कराम आजाद तफसील जेल में, सैयद कुतुब अहमद तालीम तफसील जेल में। तो ये उसकी वजह ही होती है कि आदमी फारिग होता है तो उसको लाइब्रेरी में गया जेल की लाइब्रेरी भी होती है ताकि कुछ पढ़ पढ़ के पता जाए तो मुजरिम में, तो उसको जो है कुरान की तलाश हुई और कुछ एक मजहबी किताब था मुसलमानों को उसने पढ़ा। फिर उसके बाद उसने अपने दोस्त से कहा कि हमें एक कुरान ला के दीजिए उसका तर्जुमा पढ़ा। उसने जब तर्जुमा पढ़ा तो उसका जहन साफ हुआ और फिर खुद अपने अंदर जो गलत चीज़ें थी वो उसका इजहार करके रो रहा था कि मैंने बहुत गलत किया। तो ये जो मोहलत दी गई उसे उसी का तो नतीजा है कि हाँ बात उसकी समझ में आ गई। तो ये जो देर होती है जालिमों की पकड़ होने में अल्लाह की तरफ से देर रहती है उसमें एक मसलहत ये भी होती है कि हो सकता है किसी मरहले में बात समझ में आ जाए और ये हक की तरफ पलट पाए। तो ये अल्लाह का इंसान था, यही एक बात और समझाई गई है लोगों को कि अल्लाह ताला जब कोई आदमी खैर की दुआ करता है भलाई की दुआ करता है तो अल्लाह उसे जल्दी कबूल करता है, और कोई नौजुबिल्लाह किसी के लिए बददुआ करने लगता है तो अल्लाह ताला उसको जल्दी कबूल नहीं करते। एक हदीस में मना किया गया है कि तुम ना अपने लिए ना अपने घर वालों के लिए ना किसी के लिए तुम कभी भी बददुआ मत करो, वरना हो सकता है कि ऐसा हो जो कबूलियत का हो और अचानक तुम्हारी वो बददुआ तुम्हारे खिलाफ कबूल हो जाए। इसमें आमतौर पर औरतें बहुत ज़्यादा इस मर्ज का शिकार होती हैं ना, जहाँ गुस्सा हुई बस वो अपने ऊपर बदवरे में पहुँचा था, कभी बच्चे के ऊपर बरस पड़ती हैं और गुस्से में आ जाता है, तो गुस्से में आकर आदमी अपने खिलाफ बच्चों के खिलाफ जो बदवाएँ कर देता है इसलिए हमें उससे सख्ती से मना किया गया है। फिर भी अल्लाह ताला जल्दी इस तरह की बदवाओं को कबूल नहीं करते, लेकिन कभी ऐसी कबूलियत का वक्त होता है कि वो चीज़ कबूल हो जाती है।
इसलिए बचने की ताकीद की गई। आगे अल्लाह का इरशाद है कि जो इस तरह के जालिम होते हैं हम उन्हें थोड़ी सी मोहलत देते हैं और छोड़ देते हैं। فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ तो हम उन लोगों को जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हैं हम उस सरकशी में उन्हें छोड़ देते हैं। और फिर ये सरकश शख्स भी जब से कोई तकलीफ लाइक होती है, मुसीबत कोई बड़ी लाइक होती है, तो आप भी देखते होंगे कि बस उस वक्त वो एक उस ज़ात को बुलाता है जो ज़ात उसके जहन में सबसे बड़ी बड़ी है। अगर मुसलमान है जब तकलीफ सख्त होती है एक तरफ डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो आदमी उसको पुकारता है अल्लाह ही पुकारता है और कोई नहीं आता है। जब झटका है घर में बाप वाला यार यार कितने साल हो गए कितने साल हो गए जो अल्लाह रहता है छः सात साल तो हम हो गए। तो उस वक्त हम नदियों में थे हमने भी देखा अपनी जिंदगी में पहली बार तो यहाँ तो थोड़ा सा झटका रहता है नेपाल में था। तो झटका आने के बाद लखनऊ की सारी मस्तुलात सारी औरतें और महलों के सारे मर्द हालात माशाल्लाह बाथरूम के अंदर उतर गए सिर्फ एक जरा से झटके के नतीजे में सारे पार हर गए थे। पार में औरतें सब मुसल्ला मुसल्ला भी शायद है बस अल्लाह ही अल्लाह बचा है क्योंकि मंदिर देख लिया कि एक झटके में जाने वाले हैं। जरा सा झटका था एक जरा सा झटका सब चीजें फरामोश करके बस सब अल्लाह ही अल्लाह है। एक मतलब ऐसा हो जाए कफ हो गई थी कि लोग पत्थर भी रहे हैं उस वक्त में एक होटल में था कहीं सफर तो खैर सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठे तो रिसेप्शन पे हमने जो है उससे पूछा जो है क्या बात है लोग बहुत ज़्यादा से बस सामने मस्जिद थी बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो कहा कि आपको नहीं मालूम है कहा कि रात में जो जो है वो पत्थर हो जा रहे हैं उनका देखा ये तो बोले तुम दादा बता रहे कहा हाँ तभी से 3 बजे से लोगों को दादा लगा हुआ है और जब मस्जिद में पहुँचे मस्जिद इससे भी बड़ी थी हमने देखा तकरीबन जो है आखिर तक अपनी मस्जिद खचा खच फजर की नमाज में बड़ी बनी तो सिर्फ अफवाह थी कोई हकीकत से उसका ताल्लुक ही नहीं था। तो जब इंसान पर कोई तकलीफ और मुसीबत आती है तो फिर सारी चीज़ों को छोड़कर बस वो अल्लाह ही को पुकारता है। जो हिंदू होते हैं वो भैया बस बसा ऊपर वाले ही का सहारा है उनकी जबान से यही करता है बस ऊपर वाले ही का सहारा है नीचे वाले से जवाब दे जाते हैं जितने भी नीचे वाले होते हैं जितने बेचारे उनको मानते हैं अपने अपने हिसाब से सब जवाब दे जाते हैं बस ऊपर वाले ही का सहारा है। तो वो एक रूह की आवाज़ है जो उसे उस हक तक पहुँचाना चाहता है उस मालिक से मिलाना चाहता है जो संजीदा होते हैं और अपने आखिरत और अपने मुस्तकबिल पर निगाह रखते हैं और हक और नाहक की पहचान करने का फैसला करते हैं वो तो समझ जाते हैं ऊपर वाला वाला लेकिन जो नहीं होती उनकी जबान से वाला सही निकलता है। तो यहाँ पर इंसान की ये कैफियत बयान की गई है वही इंसान को कोई बड़ी तकलीफ पहुंचती है तो वो उठते बैठते लेटते हर वक्त हमें उठाता है और फलम कशफ नाम दूर हुआ और जब हम इससे उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं मर्द अकल में यह गुना इलाजों में मस्सा तो ये ऐसा हो जाता है कि इसने हमें कभी तकलीफ के लिए पुकारा नहीं भूल जाता है। ये इंसान से गोया कोई शिकवा है अल्लाह की एक फरियाद है कि मेरे बंदों तुम्हारी कौन सी रविश है कि जिस वक्त तुम्हारे ऊपर तकलीफ के पहाड़ टूटते हैं उस वक्त उठते बैठते हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह याद करते हो और जब हम तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देते हैं तुम हमें फरामोश कर देते हैं। सारी अय्याशी इंसान को सोचती है आसाइश है राहत और आराम के वक्त जब हालात बढ़ते हैं तो अच्छों अच्छों का दिमाग सही हो जाता है अपने ठिकाने में आ जाता है। आप एकदम से बैठे हुए घर में बहुत तेज दर्द उठे सारी दुनिया तारीफ हो जाती है जिनकी अचानक कभी दर्द उठा होगा तो वो समझ सकते हैं कि दुनिया बेकार बार बार बीवी बच्चे माल माता सब बेकार बार बार है
जब उसे दर्द से राहत मिलती है तब जाके इंसान की जान पहचान है। तो अल्लाह कहते हैं कि जिस तरह तुम मुझे फरामोश कर देते हो तुम्हारी यह रविश हरगिज सही नहीं। कज़ालिक अज़ीना लिल्मुशरिकीन मा कानू यअमलून, जो हस्य तजावुज करने वाले हैं उनके लिए उनका यह गलत अमल शैतान की निगाह में अच्छा बनाकर पेश कर दिया है। इंसान के हक से हटने की वजह यही होती है कि शैतान उसकी निगाहों में उस गलत बात को अच्छा बनाकर पेश कर देता है। एक आदमी गलत काम से अच्छे काम की तरफ क्यों नहीं आता है? इसलिए कि शैतान उसको एक तसल्ली का रास्ता दिखा देता है। गलत काम कर रहा है शैतान ने उसको अच्छा बनाकर पेश कर दिया। वही हिंदू कोई मंदिर में जा रहा है तो वो इसलिए भी जा रहा है कि समझा कि हाँ ये गलत है, इसलिए जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि उसको अच्छा समझ रहा है, सही समझ रहा है। और ये काम कौन करता है? शैतान, कि गलत चीज को उसकी निगाह में अच्छा बनाकर पेश कर देता है। ऐसे हमारे यहाँ चाहे बहुत से मुसलमान कब्रों पर जाएंगे, कब्रों पर जाके सजदा करते हैं, कब्रों पर जाकर कब्र वालों से सवाब करने लगते हैं, जैसे दुआ अल्लाह से की जाती है ऐसे नाम मिला हो जाकर कब्र वालों से दुआ मांगा। मुहर्रम आएगा तो वो मातम करेंगे, मातम करते हैं, जंजीर का मातम, ब्राड का मातम, कहीं कौन कौन सा मातम, 50-50 के लोग मातम है। अब वो मातम तो अगर वो बुरा समझ तो मालूम क्यों करेंगे? शैतान ने उस मातम को उनके सामने अच्छा बनाकर पेश कर दिया कि हम हजरत हुसैन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ताजिया की जाती है और माएँ रात रात भर उस ताजिया के सामने बैठी रहती हैं, ठंडक में गर्मी में, क्यों? शैतान ने उस गलत चीज को उनकी निगाह में अच्छा बनाकर पेश कर दिया है। वो गलत जरूर क्या है? वो ये बिठा दिया गया है कि जो ताजिया होती है उसमें अचानक किसी वक्त अगर इमाम हुसैन की रूह आ जाती है तो अब वो आदमी क्यों तौबा करेगा? वो तो एक जज्बे से बैठा हुआ है ना। तो ये शैतान का काम होता है कि जितने गंदे काम होते हैं शैतान उन गंदे कामों को करने वालों की निगाहों में अच्छा बनाकर पेश कर देता है। तो जो जो गलत काम कर रहा है उसी पर कायम नहीं रहता है बल्कि उस पर इसरार करता है, उसके लिए डर जाता है। आप कह जाते हैं किसी को जो शख्स इस गलत रविश का आदि हो कि आप ये काम न कीजिए, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है, कुरान में इसकी कोई दलील नहीं है, हदीस में इसकी कोई दलील नहीं है, अल्लाह इससे नाराज हो जाते हैं, तो उसे ये बात समझ नहीं आती। तो ये गुमराही की वजह होती है। उससे तौबा क्यों करेगा? इसीलिए हम मानते कहते थे कि जो बिदाती होता है उसको तौबा की तौफीक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसी वजह से नहीं होती है कि वो अपनी बिदात को बिदाती समझता है, उसको अच्छा समझता है। तो जो शख्स अपने गलत काम को अच्छा समझेगा वो तौबा नहीं करेगा। तौबा तो वो करेगा जिसे अपनी गलती का एहसास हो कि मैं गलत कर रहा हूं, तभी तो वो तौबा करेगा। तो बहकने की वजह यह होती है। अब हक पर आने की वजह क्या है? हक पर आने की वजह यह है कि आदमी ये सोचे कि शरीयत अल्लाह का कानून, अल्लाह का निजाम, कुरान और हदीस की शक्ल में जो हमें दिया गया है, हम जो काम कर रहे हैं हमें ये चीज, ये शरीयत, ये कानून इलाही इजाजत देता है या नहीं देता है, ये बुनियाद है सही और गलत पर। ये बुनियाद नहीं कि हमको करते आ रहे हैं, हमारे आबा और अजदाद करते ही आ रहे हैं और हमने तो ऐसे ही सुना है, ये शरीयत में कोई बुनियाद नहीं। बुनियाद ये है कि जो काम हम कर रहे हैं कुरान में है या नहीं है, हदीस में है या नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या नहीं किया है। अगर आपने भी नहीं किया, कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं, सहाबा इकराम ने भी नहीं किया है, तो यकीनन जो वो काम सही नहीं हो सकता है। ये बुनियाद सही हो जाता है। लेकिन आवाम इसी को बचती है कि वो तो हम तो बरसों से करते चले आ रहे हैं, हमारे आबा और अजदाद करते आ रहे हैं, हमारी नानी और दादी और पीपी और खाला करते चले आ रही है, हमारे खानदान हमेशा ऐसे ही होता
कोई बुनियाद नहीं है। हमेशा जाहिल कौमों ने अंबिया को यही जवाब दिया, वजद आले आबा ना कदा निकल फालून, हमने अपने आबा और अजदाद को ऐसा ही करते हुए पाया था। जब नबी उनको समझाते थे कि ये गलत काम ना करो, अल्लाह के अलावा दूसरों की परस्तिश मत करो, तो कौमों को यही जवाब दिया। तो यहाँ पर भी ये बात कही जा रही है कि शैतान का काम इतना होता है कि वो गलत काम को गलत काम करने वाले की निगाहों में मुज़य्यन बनाकर, अच्छा बनाकर पेश कर देता है और इंसान उस गलत काम पर मुतमईन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको तौबा की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अक्सर आगे फरमाते हैं कि तुम जरा माजी की तारीख देखो, माजी में क्या हो चुका है, माजी में हमने जिन जिन कौमों ने गलत रविश अख्तियार की थी तरीके से हमने
उसने चार सितारों से उसको सजाया है और हमारे बनाने में कोई नक्स कोई कमी नहीं है। तो ये आसान अंदाज अल्लाह को रब और इलाह साबित करने के लिए ये इतना फितरी और इतना नेचुरल है कि इससे ज्यादा आसान नहीं और कोई हो ही नहीं सकता। इसमें किसी गहरे इल्म की जरूरत नहीं। इसके बाद जो है कौम न माने तो फिर अल्लाह हलाकत का फैसला करते हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है कि हमने तुमसे पहले जो लोग थे हमने उनको हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म की रविश अख्तियार की। हर हाल उनके पास उनके रसूल बिल्कुल वाज़ह निशानियां और दलाइल लेकर आए थे लेकिन फिर भी वह मकान मुमिनों उनको तौफीक ना हुई कि वो ईमान ले आते। कज़ालिक नज़ी क़ौम मुजरिमीन और जो भी मुजरिम कौमें होती हैं हम सब के साथ ऐसा ही करते हैं। ये सिर्फ माजी की दास्तान नहीं सुनाई जा रही है बल्कि क़यामत की ये कानून इलाही है जिसकी भी रविश सुल्म की होगी अल्लाह के अज़ाब से वो बच नहीं सकता है। अगर ताखीर हो रही है तो उस ताखीर की वो अपनी तरक्की न समझे अल्लाह की तरफ से ढील दे जाने को वो अपना उरूज न समझे बल्कि अल्लाह की तरफ से ढील इसलिए दी जा रही है कि किसी मरहले में इसे तौफीक हो जाए और हक की तरफ पलट पाए। वरना फिर अल्लाह की तरफ से आने वाला अज़ाब जब जब उसके उतरने का वक्त होगा फिर इसे कोई बचा नहीं जाए। तो ये बात इस वक्त जरूरत है कि पूरी इंसानियत के सामने खुल के रखी जाए। हमारा जुर्म यह है कि हम हक की बात को कुरान की बात को छुपाते हैं यही जुर्म है उसी जुर्म की सजा मिल रही है। अगर सारी दुनिया के मुसलमान ये तय कर लें आपको बेहतरीन किस्म की इंग्लिश जबान आती है बेहतरीन किस्म की आपको फ्रेंच आती है जर्मन आती है किसी और उसी जबान पर आपको कमांड है आप कुरान को उन्हीं के अंदाज में दो टोक पेश करते ऐसी की आवाज है जो दिलों को अपील करती है इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। आप यूरोप में एक तहलका है एक उबामा एक उठान है एक मजहब का तजस्सुस मजहब मजहब की तरफ एक रुजू की कैफियत है। यह आज से 20 साल पहले नहीं था 30 साल पहले नहीं था लेकिन इस वक्त जो कैफियत बनी है सारे मजाहिब अपने अपने हथियार डाल चुके हैं सारे मजाहिब मायूसी के शिकार हैं। सिर्फ एक मजहब है जो पूरी इंसानियत को खुलकर चैलेंज के साथ अपनी तरफ बुला सकता है और आप देख रहे हैं कि एक तरफ दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये इस्लाम की सच्चाई की दलील है कि सारे मजहब से टूट टूट कर अगर लोग आ रहे हैं तो इस्लाम का मतलब है और जो आने वाले हैं वो कोई देहात के दस दस पत्ते नहीं है रक्षा चलाने वाले जाहिल नहीं है इंतहाई पढ़े लिखे लोग इंतहाई काबिल लोग अपनी अपनी जो है अपने इलाके के बहुत माय नाज अहले इल्म अहले दानिश डॉक्टर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट वो अल्हम्दुलिल्लाह इस इस्लाम की हकानियत को देखकर खुले दिल से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और जब वो आते हैं तो ऐसा उनके अंदर जो उन्हें दौलत मिलती है ऐसा इस्लाम से ताल्लुक ऐसी मोहब्बत का इजहार होता है अल्लाह हू अकबर। हमारे यहाँ जो खानदानी मर्द और औरतें हैं उनके यहाँ ये चीज देखने अभी परसों एक मुनी भाई में साउथ अफ्रीका के इलाके से 12 गांव वक्त पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल और वो जो थे शेख का बयान मौजूद है वो सिर्फ बहुत आसान अंदाज में कुरान की आयतें पढ़कर अल्लाह को समझा रहे थे। बस चंद आयतें पढ़ी उनके जो जिम्मेदार थे उन्होंने वो सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उसका इजहार किया उसके बाद पूरी उसी बस्ती ने वो भी 12 बस्तियां एक साथ तो उन्होंने दरख्वास्त की कि आप अपनी पूरी जमात के साथ आइए। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी दावत और तबलीग लोग समझते दावत तबलीग की नकल की शक्ल जो यहाँ है वही अमरीका और फ्रांस में ऐसा नहीं है अमरीका फ्रांस में शक्लें बदली हुई बाद के अंदर दश्त होता है साहिब पर जाकर दश्त होता है वहाँ इस अंदाज की बात नहीं होती है इस अंदाज में यहाँ होती वो सब दावत तबलीग से जुड़े हुए लोग जब उनको बुलाया गया पूरा गाँव उसके बाद में और जब उन्होंने कलमा इस वक्त पढ़ाया था पूरा गाँव रो रहा था क्यों उसी दिन की उस शख्स को दिल की अपनी जो एक सदा थी एक रूह की जो आवाज़ थी बस उसे वो
सामने पेश कर दिया। यही हमारा सरमाया है, यही हमारे काम आएगा, वरना दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है। हम कह रहे हैं आप बहुत बड़े मालदार बन गए और दुनिया के जो सबसे मालदार लोग हैं उसके अंदर आपका नाम भी आ गया, तो उससे क्या फायदा होगा? 70 साल 80 साल चलो 200 साल मान लेते हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है इन दिनों में कोई 200 साल बचा, मान लेते हैं आपकी जिंदगी 200 साल है, फिर भी सवाल उसी का है अब क्या होगा? 300 साल चले गए अब क्या होगा? मुस्तकबिल जो हमें दिया गया है इस्लाम की तरफ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ऐसा रोशन मुस्तकबिल है जिसकी कोई इंतहा नहीं, हमेशा हमेशा रोशन मुस्तकबिल और ऐसा शानदार मुस्तकबिल जहां ना कोई गम ना कोई फिक्र ना कोई तकलीफ ना कोई थकावट। हाँ, जन्नत में जाने के बाद कोई थकावट नहीं होगी, आदमी खाएगा पिएगा सिर्फ लज्जत के लिए, सोएगा नहीं करेगा, इस और कभी नहीं सोएगा, सोना होता है थकान की वजह से।